तो स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल रेल शास्त्र में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रथम रेलगाड़ी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली बार विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत की प्रथम पैसेंजर रेलगाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की नींव रखी थी। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की नींव अपने निजी स्वार्थ के कारण रखी थी। उनका वह निजी स्वार्थ यह था कि वो भारत के विभिन्न अंगों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचा सके और बंदरगाहों से उस कच्चे माल को समुद्री मार्ग के थ्रू इंग्लैंड तक पहुंचा सके। लेकिन उन्हें बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए कोई ऐसा साधन ढूंढना था जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल पहुँचा सके। इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बोरीबंदर से थाने के बीच में बिछाई गई, जो 1853 की शुरुआत तक बिछ चुकी थी। अब था उस पर रेल दौड़ाने का काम। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे प्रथम पैसेंजर रेलगाड़ी को अंग्रेजों ने हरी झंडी दिखाई। जिस रेलगाड़ी को 3 इंजनों द्वारा खींचा गया था, जिन इंजनों के नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। ये इंजन खास तौर पर इंग्लैंड से मंगाए गए थे भारत में रेल लाइन पर रेलगाड़ियों को खींचने के लिए। और उस रेलगाड़ी में कुल 14 डिब्बे थे, जिन पर लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। ट्रेन शाम को 3:35 पर बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से खुलती है और 34 किलोमीटर बाद अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक थाने रेलवे स्टेशन पर खत्म करती है। ट्रेन अपनी यात्रा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार छूती है और साथ ही साथ एक पौन घंटा का समय लेती है यात्रा को पूर्ण करने में। रेलगाड़ी की सफलता को देखते हुए अंग्रेजों ने एक और इलाकों में रेल लाइन बिछाना शुरू कर दिया, ताकि वो कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचा सके। फिर क्या था, भारत के भिन्न अंगों में रेल लाइन बिछने का कार्य शुरू हो गया। अंग्रेजों ने कार्य तेजी से शुरू कर दिया था और यही थी भारत की प्रथम पैसेंजर रेलगाड़ी की कहानी। और आज हम इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क देख रहे हैं, ये एक तरीके से अंग्रेजों की देन है। अगर अंग्रेजों ने हमारे देश में कार्य तो बहुत बुरे किए थे, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो अगर अंग्रेज ना आते तो शायद आज हम रेलवे को इतना विकसित और इतना बड़ा रेलवे भारत में नहीं देख सकते। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो के लिए। जय हिंद और जय भारत।